तो फिलहाल अभी हम लोग कोडरमा में है। हेलो भाई साहब। और हम लोग खाना खाने लिए रुके हैं। ये देखिए पैकिंग, कुरकुरे वगैरह सब कुछ करवा लिया। मैं ठंडर स्कल। फिलहाल हम लोग अभी टाइम कितना हुआ? टाइम हो रहा है 6 बजे। 6 बजे फिलहाल हम लोग 6 बजे पटना पहुंच गए, सॉरी बीआईटी में। बीआईटी पटना पहुंच गए। और कड़कड़ाने वाली ठंड है, पर भाई साहब को ठंड नहीं लग रही है। ये देखिए मेरा चादर। थोड़ी देर में आपको पूरा बीआईटी का शेयर कराएंगे, ठीक है? एकदम कंटिन्यू लगे रहिएगा। कैमरा भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल आज मैं हूँ, सॉरी अभी मैं हूँ बीआईटी पटना में। तो हम लोग का जो एनआईसी का फर्स्ट कैंप है वो हो चुका है, लगभग शाम हो गया आज। तो अभी शाम हुआ है और कल का जो शेड्यूल है, जो क्या क्या करना है, वो सब हमें बता दिया गया है। और अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हमें 6:30 बजे ऑडिटोरियम में मिलना है विथ 3 मिनट का परफॉर्मेंस और 2 परफॉर्मेंस देना है। और अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ कि क्या परफॉर्मेंस देना है, एक ही परफॉर्मेंस डिसाइड हुआ डांस का और वो भी अधूरा है। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग को ग्राउंड में बुलाया गया है, मतलब हम लोग पूरे झारखंड के टीम है जिसमें 3-4 यूनिवर्सिटी है। और हम लोग डिसाइड करेंगे बैठ के कि फिलहाल अभी 6:30 बजे क्या परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि फिलहाल मैं अभी बीआईटी का जो ग्राउंड है मेन, उस ग्राउंड में हूँ और इसका नज़ारा इस टाइप का है। मैं आपको ये ग्राउंड का जो है ना वो पूरा फुल व्यू दिखाऊंगा बैक कैमरा से, देखते हैं। तो ये है ग्राउंड का पूरा व्यू। फिलहाल शाम हो गई है, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग का जो हॉस्टल है ये जो हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल है, और इसी के जस्ट अपोजिट साइड वहाँ पर जो ये इधर हॉस्टल है वो गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज़ को उधर जाना मना है और गर्ल्स को इधर आना मना है। बाकी सारे स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी, इंजीनियरिंग के भी कुछ स्टूडेंट लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उन लोगों के साथ एग्ज़ाम भी है। क्योंकि जो झारखंड टीम है डांस परफॉर्मेंस के लिए हमें बुलाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी झारखंड टीम से। मैं एक करके इंट्रोड्यूस तो नहीं करवाऊँगा बट मैं दिखा दूँगा, ठीक है? यहाँ पर जो है ये झारखंड की टीम है और मैं उन लोगों को दिखाता हूँ अभी जस्ट। थोड़ा सा पेट में चूहा भी दौड़ रहा है तो सोचे कि चलो खा लेते हैं। कूपन भी मिल गया है। किसके पास कूपन है? नवोदित के पास कूपन है ना। तो फिलहाल हम लोग जाएंगे अपने बॉयज हॉस्टल में, देखते हैं इवनिंग स्नैक्स में हमें क्या मिलता है। स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है, इग्नोर कर देना कोई दिक्कत नहीं है, देखते नहीं इग्नोर कर देना कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। क्या करूँगा, सस्ता ब्लॉगर हूँ, फर्स्ट ब्लॉगर हूँ, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है। क्या देख रहे तू? जब ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है मिलते हैं स्नैक्स में क्या क्या है वो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये जो कूपन है हमें मिल गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं इवनिंग का स्नैक्स खाने के लिए, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम स्नैक्स के पास मिलते हैं और स्नैक्स बताएंगे आखिर में स्नैक्स में है क्या। ये है, इसी कूपन मिला। ये हम लोग का टीम का लीडर है नवोदित मनी। ऑन द थंडर स्कल, ऑन द थंडर स्कल। ओके, इसका टाइटल है मतलब थंडर स्कल। हां लोग मुझे रांची में थंडर स्कल बोलते हैं। रात को नाश्ता करने के लिए बोला गया।
पहले बार इस गेटअप में और पहले बार इस एनआईसी कैंप में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी जा रहे हैं, भूख लग गए, पेट में चूहा दौड़ रहा है, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी लंच करने के लिए। ये है मिलके, सब आपको अपलोड मिलेगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना और जो लाल वाली बटन है ना उसमें कथक करो या फिर हिप हॉप करो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। हो गया, चलो खाने के लिए। भूख नहीं लगा है?